नमस्कार, करनाल के नेशनल हाईवे की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किसान आंदोलन के चलते किसान आज यहां पर इकट्ठा है। 25, 26 और 27 तारीख को बस्ताड़ा टोल प्लाजा की अगर हम बात करें तो वहां से गाड़ियां जो है निशुल्क गुजरेंगी। पहले टोल देना पड़ता था, लेकिन अब टोल नहीं दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो किसान हैं वो यहाँ पर जो है दूसरे भाइयों को जो है संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। कुछ एक लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात भी करना चाहेंगे, लेकिन किसान क्या बोल रहे हैं आपको सीधा जो है सुनवाते हैं। मोदी झूठ मारने सन ना, किसी तरीके से मार लेंदा इन्हें, तो बे तरीके से झूठ मारे जे, और इन झूठा तो बिलकुल नंगिया सारे देश ने कर छड़िया है। ये जिहड़ी तुहाडी एकता है ना, ये सब तो वड्डी ताकत है, क्योंकि एकता वर्गी ताकत कोई हो नहीं सकती। जमात करामात गुरु ग्रंथ साहब भी कहता है, तो तुहाडी जमात जिहड़ी हुण कायम है, इस जमात तुहाडी मोदी नूं जित के रहेगी, यह मैनूं विश्वास है, और तुहानूं मेरे तो ज़्यादा विश्वास है। एक बार जकारा ला दिओ, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो किसान हैं वो यहाँ पर जो है मीडिया वाले वीरो ए मोदी तक पढ़ानी जे, ठीक है ना। आयुरा काका मैं मेरे मुंह के नेड़े करी, तो ये आप ये देख सकते हैं किस तरीके से कुछ पंक्तियां जो हैं लिखी हुई हैं और मोदी तक पहुंचाने की जो है वो यहाँ पर जो है बात की जा रही है। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी करते रहे। अंग्रेजा ने 1907 च थोपिया सी, और वो अंदोलन 6 महीने चलिया सी। उस अंदोलन का नाम की सी, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल होए। मैं उस लाइन थोड़ा जा अपनी शब्दावली च लिखिया है, पगड़ी संभाल किसाना पगड़ी संभाल होए, लुटना को लै जे तेरा हीरे जे अमाल होए। पगड़ी संभाल वो जट्टा पगड़ी संभाल होए। अगे फिर लिखे, वो सोची ना पंडित निरी माला ही फड़ेगा, सोची ना पंडित निरी माला ही फड़ेगा, वो गड़ियां दा मी बाण तेरे ते वरेगा, गड़ियां दा मी बाण तेरे ते वरेगा। मुस्लिम भाई बनिया आज किसानी दी ढाल होए, पगड़ी संभाल वो जट्टा पगड़ी संभाल होए, पगड़ी संभाल किसाना पगड़ी संभाल होए। वो जिथे तू पढ़ाई की मोदी उत्थे इटां असी लाइया ने, वो जिथे तू पढ़ाई की मोदी इटां उत्थे असा लाइया ने, यारां नूं भी तेरे तो मिलियां बेवफाइयां ने। वो बड़ी वारी मारी तू साडे धर्मां च फाल होए, पगड़ी संभाल किसाना पगड़ी संभाल होए, लुट ना को लै तेरा हीरे जे अमाल होए। कई वारी झूठ दी फरलो तू मारी है, वो हुण पता लगा है तू तां जात दा मदारी है, वो हुण पता लगा है तू तां जात दा मदारी है। वो केतली ते कप, वो केतली ते कप जाके टेशन ते संभाल ओए, पगड़ी संभाल किसाना पगड़ी संभाल ओए, लुट ना को लै जाए तेरा हीरे जे अमाल ओए। वो मन की जो बात तेरी आई नहीं रास, वो मन की जो बात तेरी आई नहीं रास, हुण ताली थाली किसे नहीं बजाउनी तेरे साथ, की है तू की है तेरा ये ख्याल होए। पगड़ी संभाल किसाना पगड़ी संभाल होए, लुट ना को लै जाए तेरा हीरिया जा माल होए। ओए आप कर्मा तो तू आपे तौबा करेंगा, वो मारना नहीं तैनू तू तो आपे ही मरेगा, वो मारना नहीं तैनू तू तो आपे ही मरेगा। ये तोफ दाना गोला जानी, ये तोफ दाना गोला जानी, ये सौंकड़े वाले की कलम का कमाल होए। पगड़ी संभाल किसाना पगड़ी संभाल होए, वो लुट ना को लै जाए तेरा हीरिया जा माल होए। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल होए, भारतीय किसान यूनियन। धन्यवाद जी, बहुत बहुत।
तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से कुछ पंक्तियां जो है वो यहाँ पर जो है सुनाई गई हैं। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी कर दें। वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं काफ़ी जो किसान हैं वो लगातार यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं। हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, तो वो जो है यहाँ पर जो है देखे जा रहे हैं किस तरीके से जो किसान यहाँ पर एक संदेश भी दे रहे हैं। हरियाणा और पंजाब का भाईचारा जो है वो कायम रहे। आप इस वीडियो को दोस्तों साथ के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। कुछ एक लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे। हाँ जी सर, हम जहाँ जो बैठे हैं, जो मोदी द्वारा काले कानून लगाए गए हैं 3, उसके विरोध में बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक इसका हल नहीं होता। मोदी जी यही संदेश देते हैं कि जो जमींदार एक महीने से सड़कों पे बैठे हैं उनकी भी सुनो। आप देख सकते हैं अलग अलग जगह से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल करनाल जिले की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बस्ताड़ा टोल प्लाजा की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर सुबह से ही किसान यहाँ पर जो है जुड़ा हुआ है। आप बताए क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या कहेंगे भाई, बेशरम सरकार है यार। किसान एक महीनो ही बैठे, यहाँ कौया रांडे हैं सारे, यहाँ के जाना हमारे बारे में। इस मोदी ने बेड़ा गर्क कर दिया सारे देश का, गेलो लग रहा खट्टर। अरे खट्टर ने कहा है मैं राजनीति छोड़ दी, मेरा तो कच्छा धार ही है तेना के बेरा राजनीति का। तो भाई यू ही अपना बैठे अपना बैठी रहेंगे, इतना यह काले कानून वापिस नहीं लेंदे तो अपने घर जाते पड़े हैं बसूरी। आज सवेरे 10 बजे से स्टार्ट किया लंगर, अब चलेगा लगातार चलेगा, 3 दिन लगातार चलेगा, चलेगा जी। रात को यहीं पर रहेंगे, रात को भी चलेगा, फुल रहने की व्यवस्था है, ट्राली तैयार की हुई है सब, रात को यही हुई है। हाँ जी, ट्राली 7 ट्राली आई है, 7 ट्राली आई है। कितने किसान आए? कम से कम यहाँ पे 2000 किसान आए हुए हैं। यहाँ यहाँ पे तो 3 दिन इसी तरीके से प्रदर्शन देखने को आएंगे, और भी आएंगे, अभी आ रहे हैं पीछे से तो और आएंगे, अभी अभी और आएंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम करनाल जिला फार्म से आए हैं, जिनका फार्मेसिया सार आई करनाल डबरी के साथ। और लोग कहाँ कहाँ से आएंगे? सारे गांवों से आए हुए हैं, अलग अलग जैसे सारे करनाल के साथ जो भी गांव, सारे गांव से आए, डबरी से ज़्यादा आए हुए हैं, हम तो डबरी से आए हुए हैं सारे। जरिया फार्म निर्मल कुटिया जहाँ से, और डबरी हमने सारा आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गुरु का लंगर है वो भी यहाँ पर जो है पकता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। 3 दिन लगातार टोल प्लाजा की अगर हम बात करें तो यहीं पर किसान जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती थी उन्हें टोल दिया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई टोल नहीं दिया जाएगा। आज 25 तारीख है, कल 26 तारीख है, और फिर उसके बाद जो है 27 तारीख है, यानी कि 3 दिन जो है टोल आप नहीं देंगे। आप अपनी गाड़ियों को यहाँ से निकालेंगे। आप इस तरीके से ही हमारे साथ बने रहिएगा, आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। जो किसान है वो आज सड़कों पर बैठा है, अपनी आवाज़ को बुलंद करता हुआ नजर आ रहा है, अपडेट आपको देते रहेंगे। आप बने रहिएगा करनाल न्यूज़ 24।